पे स्वागत है लॉन्ग टर्म शेयर्स में, और आप सब्सक्राइब कर लीजिएगा अगर आप नए हैं या फिर आपने बेल आइकन नहीं प्रेस किया, ताकि आपको नोटिफिकेशंस मिलती रहे। आज हम एक शानदार इंडस्ट्री के बारे में बात करेंगे, उसके स्टॉक के बारे में, उस कंपनी के बारे में। तो पहले हम देखेंगे कि कंपनी करती क्या है, ये समझना बहुत ज़रूरी है। कोई भी स्टॉक अगर हम ख़रीदते हैं तो उसकी कंपनी के बारे में जानना, उसके प्रोडक्ट के बारे में जानना, उसके मैनेजमेंट के बारे में जानना, उसकी इनकम के बारे में जानना, उसके रिजर्व्स के बारे में जानना बहुत ज़रूरी होता है। तो के ई आई इंडस्ट्री बेसिकली वायर्स एंड केबल्स से रिलेटेड है, और यहाँ पे अगर हम देखते हैं तो एक्स्ट्रा हाई वोल्टेज केबल, जैसे कि आप चित्रों में भी देख सकते हैं, हाई वोल्टेज केबल्स, फायर सर्वाइवल रेसिस्टेंस केबल्स, बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज़ में, बड़े बड़े घरेलू सोसाइटीज़ में, अंडर ग्राउंड वायर के रूप में, ट्रेन के, रेलवे इलेक्ट्रिफिकेशन में इन सारी वायर्स केबल्स का इस्तेमाल होता है। तो ज़बरदस्त KI हाउस वायर, लो वोल्टेज केबल्स, सिंगल कोर, इस प्रकार के इसके शानदार प्रोडक्ट हैं, जो अभी तो इंडिया की जो ग्रोथ स्टोरी है वो तो शुरू हुई है। जिस प्रकार से इंफ्रास्ट्रक्चर में इनकी आवश्यकता पड़ती है, ज़रूरत पड़ती है, तो एक शानदार प्रोडक्ट है, और इनके प्रोडक्ट बिकते रहेंगे, आपको अच्छे रिटर्न्स मिलते रहेंगे अगर कंपनी प्रॉफिट में रहती है। तो काफ़ी कंपटीशन भी है, ऐसा नहीं जैसे कि हैवेल्स इंडिया नंबर वन अपनी इंडस्ट्री में, उसके बाद पॉलीकैब जो अभी अप्रैल में ही लिस्टेड हुई थी, लेकिन अभी उतना ज़्यादा उसमें परफॉर्मेंस नहीं है। KEI के शानदार रिजल्ट्स हैं, और KEI के जो रिटर्न्स भी हैं वो भी शानदार, वो भी हम बताएंगे। तो अगर हम इनके प्रोडक्ट्स के बाद और कुछ देखते हैं कि किस सेगमेंट्स में और काम करती है, तो यहाँ पे देखिए लोग, इंजीनियरिंग, प्रोक्योरमेंट, कंस्ट्रक्शन, ये भी सोल्यूशन प्रोवाइड करते हैं, EPC सोल्यूशंस, और जिसमें आप बेसिक अगर देखें तो हाई वोल्टेज एंड एक्स्ट्रा हाई वोल्टेज अंडरग्राउंड केबलिंग प्रोजेक्ट फ्रॉम 33 KV टू 400 KV किलोवाट, सब्सटेंशन, कन्वर्जन ऑफ ओवरहेड लाइन टू अंडरग्राउंड लाइन फॉर कंप्लीट टाउन इंक्लूडिंग ST एंड LT डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम, रूरल इलेक्ट्रिफिकेशन प्रोजेक्ट्स अंडर स्कीम ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया सच एज रेलवे इलेक्ट्रिफिकेशन इंक्लूडिंग ट्रैक्शन सबस्टेशंस, इंटरनेशनल रूरल इलेक्ट्रिफिकेशन प्रोजेक्ट्स एंड सब्सटेंशन प्रोजेक्ट्स, मेट्रो एंड स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट्स। तो जो इनके क्लाइंट्स हैं, जहाँ जहाँ इनके प्रोडक्ट्स इस्तेमाल होते हैं, तो शानदार हैं, बहुत ही बढ़िया कंपनी है। अब हम इसके कुछ फंडामेंटल जानेंगे, क्योंकि प्रोडक्ट हम समझ गए कि शानदार हैं। बेसिक चीज़ें अगर हम पहले इसके देख लें, रेट वगैरह, तो अगर देखते हैं आज है जो आज तारीख है 9 अगस्त 2019, और जो अभी इसका वर्तमान प्राइस चल रहा है 488, और यहाँ पे पी रेशियो है 20.59 का, अर्निंग पर शेयर है 22 का, प्राइस टू बुक है 4.95 का, डिलीवरेबल है 40%, और डिविडेंड पेइंग स्टॉक है। अगर हम एक सालों के रिटर्न देखें 10%, इतनी गिरावट में भी लगातार मार्केट में 10% ये रिटर्न देने में कामयाब रहा, और 6 मंथ्स में भी इसने 35% से ज़्यादा के रिटर्न्स दिए, ये भी एक अच्छी बात है। साल का जो लो था वो 248 था, हाई था 532, और अभी चल रहा है 488 रुपये के, आज यानी 9 अगस्त को। तो इस प्रकार से KEI इंडस्ट्रियल के अगर हम फाइनेंशियल में ईयर ऑन ईयर चलते हैं, जून 18 से जून 19 में, तो नेट सेल्स जहां जून 18 में थी 886 करोड़ की, वहीं जून 19 में हो गई बढ़कर 1081 करोड़ के आसपास, जो कि 22% की जंप है। इसी प्रकार ऑपरेटिंग प्रॉफिट में भी 31% की से ज़्यादा की जंप है, और नेट प्रॉफिट जो शुद्ध लाभ है, जहाँ जून 18 में थी 32 करोड़, वहीं जून 19 में हो गई 45 करोड़ से ज़्यादा की, यहाँ 41% से ज़्यादा की जो है बढ़त है, और ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन में भी यहाँ पे जो है थोड़ी सी बढ़त है, ये अच्छी बात है। वहीं अगर हम क्वार्टर के रिजल्ट देखते हैं, तो यहाँ पे क्वार्टर के नहीं, हम दूसरी जगह देख लेते हैं अभी। तो फ़िलहाल जिस प्रकार के इनके शानदार रिटर्न्स हैं, अगर हम मनी कंट्रोल की साइट पे चलते हैं और KEI यहाँ पे डालते हैं, तो उसकी यहाँ पे डिटेल्स और बारीकी से आ जाएगी। हाँ, ये देखिए,
प्राइस हम देख ही चुके हैं। और अगर हम नीचे आते हैं यहाँ पे, तो जो मार्केट कैप है वो है 3,847 करोड़ के आसपास। बुक वैल्यू भी 98 की, बाकी हम सारी चीज़ें देख ही चुके हैं, पी वगैरह देख ही चुके हैं, डिलीवरी भी देख चुके हैं। तो हम क्वार्टर के डील्स यहाँ पे देख लेते हैं, अगर हम फाइनेंशियल पे चलते हैं, कितना कर्ज़ा भी, ये भी देख लेते। अगर हम पे डेट देखते हैं, टोटल डेट है 450 करोड़ के आसपास है, और क्वार्टरली जैसे मार्च 19 जून 19 में अगर हम कंपेयर करते हैं, तो क्वार्टरली थोड़ी सी गिरावट है। देखा अगर देखा जाए यहाँ पे ध्यान से, नेट सेल्स में जहाँ 1,258 करोड़ की थी मार्च 19 में, जून 19 में हो गई 1,081 की। और यहीं पे अगर हम शुद्ध लाभ में पहुंचते हैं, नेट प्रॉफिट में भी, तो नेट प्रॉफिट में भी थोड़ी सी यहाँ पे गिरावट है। तो क्वार्टरली रिजल्ट्स में थोड़ी सी इनको झटके हैं, बट ईयर ऑन ईयर जो ग्रोथ है इनकी साल दर साल, वो शानदार रही है। तो इस वजह से थोड़ा सा हो सकता है कि हालांकि एक दो क्वार्टर में इतना फ़र्क नहीं पड़ता, इतनी शानदार इंडस्ट्री की, बेसिकली तो ईयर ऑन ईयर ही होता है, एक दो क्वार्टर में कभी कभी झटके हो जाते हैं, तो वो समझने वाली बात नहीं है। हम अगर रिटर्न देखते हैं कि अब 10 सालों में, 5 सालों में कितना रिटर्न दिया है, तो ज़रूर आपके मुंह में पानी आ जाएगा कि काश आपने भी इन्वेस्ट किया हो, या अगर आप इन्वेस्टेड हैं इसमें इतने सालों से, तो आपको किस प्रकार का रिटर्न रहे। देखिए 10 वर्षों में करीब करीब 2,000 मान के चलिए, क्योंकि 1965%। 5 सालों में भी बहुत बेहतरीन रिटर्न्स रहे हैं, 1,418% के, और 4 सालों में 300% के शानदार रिटर्न है। 3 सालों में भी 350% यानी कि 324%, हम लमसम मान लेते हैं कि 325%। 2 सालों में भी 121%। 1 ईयर में यहाँ पर ज़रूर, अभी हमने जैसे बताया 10% के आसपास, तो 13% यहाँ दिखा रहा है। ईयर टिल डेट यानी जनवरी से लेकर भी 35%, 6 मंथ में भी 35%, 3 महीने में भी जिन्होंने पैसे लगाए थे उनको भी 32% के हिसाब से रिटर्न मिल रहे हैं। और लगातार यहाँ पे ग्रीन में, मतलब पॉजिटिव रिटर्न ही दिए हैं। जिन्होंने 1 महीने पहले लगाए थे उनको भी 4.25% के आसपास के रिटर्न है। जिन्होंने 1 सप्ताह पहले, क्योंकि भारी गिरावट थी मार्केट में, अभी तो फिलहाल 2 दिन से राहत है, काफ़ी ऊपर, 1 वीक जिन्होंने पहले पैसे लगाए उनको भी 15% से ज़्यादा के रिटर्न है, और आज भी 3% ज़्यादा के रिटर्न आज भी इनको मिल रहे हैं। तो शानदार रिटर्न वाली कंपनी है KEI इंडस्ट्री, और ग्लोबल इनकी प्रेजेंस है, कई इंडस्ट्रीज़ को ये सप्लाई करती है, मिडिल ईस्ट में भी है, कई देशों में इनका कारोबार है। अगर ग्लोबल प्रेजेंस की बात करें यहाँ पे हम, तो देखिए जैसे कि यहाँ पे चित्र में हम देख सकते हैं बहुत सारी कंट्रीज़ हैं, UK, जर्मनी, फ्रांस, इटली, अल्जीरिया, घाना, इजिप्ट, बहरीन, कुवैत, नेपाल, कोरिया, जापान, बहुत सारी कंट्रीज़ में इनकी जो है प्रेजेंस है, और काफ़ी अच्छे प्रोडक्ट्स हैं इनके। तो दोस्तों मैं एक डिस्क्लेमर देना चाहता हूँ, कोई भी स्टॉक या आप लेने या बेचने से पहले आप अपने ज़रूर खुद की रिसर्च और अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र से ज़रूर मशवरा करें। और एक मेरा काम था इन्फॉर्मेशन देना एक अच्छी कंपनी के बारे में। हाँ, जो कंपनियाँ अच्छी हैं मैनेजमेंट वाइज, इनके रिटर्न अच्छे हैं, अगर हम यहाँ पर इनके रिजर्व्स भी देखते हैं, रिजर्व्स में देखिए जो रिटर्न ऑन इक्विटी है 27% के आसपास है, ROCE है 23% के आसपास, सेल्स ग्रोथ देखिए 19% के आसपास, फेस वैल्यू है इसकी 2 की, और इस प्रकार से जो इन पे कैश फ्लो या रिजर्व्स हैं बैलेंस शीट पे अगर हम देखते हैं, तो रिजर्व्स भी इनके पास 763 करोड़ के आसपास है 2019 में। तो शानदार कंपनी है, तो ऐसी कंपनियों में लेना चाहिए, लेकिन आप अपनी सूझबूझ के हिसाब से। अगर आपके पास इस सेक्टर का वायर्स एंड केबल्स का कोई स्टॉक नहीं, जैसे हैवल्स, पॉलीकैब या KEI या फिर स्ट्रालाइट, ऐसी कई इंडस्ट्रीज़ हैं, तो ज़रूर आप इसमें विचार करें और लंबे समय के लिए निवेशित रहें। अब तो मुझे लगता है गवर्नमेंट भी थोड़ा सा, अगर उसने कर दिया कि लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन पर अगर टैक्स माफ़ हो जाता है, तो जो लंबे समय के निवेशक हैं उनको काफ़ी लाभ मिलेगा, है ना। तो अभी उस पर बातचीत चल रही है। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ।